पूरी पढ़े वाला सभी विद्यार्थी मन के हम जो हायर करीला ला और इन सब कर, स्वागत करीला आज के क्लास हम नागपुरी के शुरू करे जाते जर में हम नागपुरी के सिर्फ़ एक सामान्य परिचय के बारे में पहली क्लास ले नागपुरी का एक सामान्य परिचय देखेंगे हम लोग और समझेंगे कि आखिर इस भाषा को कैसे हम लोग पढ़ेंगे कैसे इसको देखेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए कम से कम पढ़ाई करने के बाद हम लोग टू द पॉइंट स्टडी करेंगे और समझेंगे कि नागपुरी भाषा कैसे चलती है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं तो आज का हमारा ये जो वीडियो होगा ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है आप इसको समझिए कि नागपुरी भाषा आखिर कैसे चलती है तो झारखंड में तीन गो भाषा परिवार काम करें ना। इकर में सबसे पहला जो भाषा परिवार है जो सबसे पहली भाषा परिवार है सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं दोनों भाषाओं में आप लोगों को लेकर चलूँगा मैं हिंदी से भी रिलेट करूँगा नागपुरी को ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए और जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा और नागपुरी में आप कोशिश कीजिए कि उसी तरह से आप सोचें जैसे ही आप नागपुरी में सोचने लगेंगे आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे तो आपको अगर कोई दिक्कत आएगी आपको अगर समझ नहीं आएगा या फिर आप चाहते हैं कि और किसी अन्य तरीके से मैं पढ़ाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि उसमें और आप लोगों को क्या चाहिए तो सबसे पहले हम इन समझब कि झारखंड में तीन गो भाषा परिवार काम करेला सबसे पहला एक आग्नेय भाषा परिवार है जेकर अंतर्गत मुंडारी संथाली हो और खड़िया भाषा मन आवेना एक बाद हम इन देख तो आर्य भाषा परिवार है तो सदानी भाषा कहना सदान रावरे मन समझा थी सदान आप सभी लोग समझ रहे हैं कि जो आदिवासी समाज से अलग थे जो आर्य समाज से माना भी गया तो झारखंड के जो सदान हैं उनकी भाषा को ये माना गया ये आर्य भाषा परिवार में नागपुरी आता है और खोरठा आता है पंचपरगनिया और कुरमाली ये चार भाषाएं आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं इक बाद है द्रविड़ भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुक भाषा आवेला और मलतो भाषा आवेला तो रावर मन आप समझ जाओ अब कि तीन तरह के भाषा परिवार है आग्नेय भाषा परिवार आर्य भाषा परिवार और द्रविड़ भाषा परिवार तो हम इनके आज जो कोर्स में पढ़े है आज जो वीडियो हम बना थी ये वीडियो नागपुरी भाषा ले बना थी इबाद बाद रे मन ले खोरठा भाषा के भी वीडियो बहुत जल्दी लॉन्च वाला है उके भी रावन साहब देखब और एग्जाम में जाना थी जैसे कि जे के एग्ज़ाम में एक रीजनल लैंग्वेज एक रीजनल लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा वेटेज कर दे हैं हिंदी अंग्रेजी उकर में है नहीं तो हम इनके नागपुरी खोरठा जे भी लैंग्वेज जे भी भाषा में रावरा मन कम्फर्टेबल उकर में आसान फील करब ओके समझब अगर रवन नागपुरी लेवा थी तो नागपुरी भाषा के हम पूरा एक कोर्स बनाए के रविन मन के बढ़िया से समझा देव ताकि एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर रवन नागपुरी में लानू और सब परीक्षा पास कर जाब आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इकर में हम नागपुरी भाषा कर कुछ बहुत जरूरी जरूरी विशेषता के बारे में बात करब तो नागपुरी भाषा कर विशेषता है जैसे कि हर एक भाषा ये दुनिया में जितना भाषा है सब कर कुछ न कुछ अपन विशिष्टता है हम जो नागपुरी बोला थी एकदम किताबी नागपुरी राउरिन के नहीं बोला थी ताकि राउरिन भी ये समझू कि आसपास में जो बोलल जाएला और लिखल जाएला जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं और हिंदी बोलते हैं ये दोनों भाषाएं आपस में बहुत हद तक हम लोग क्या करते हैं कि तोड़ मरोड़ के बात करते हैं उसी तरह नागपुरी भाषा के साथ भी ऐसा ही होता है जो हम लोग लिखते हैं उसी तरह से इसका भी कुछ अपभ्रंश बन गया है जैसे हम लोग बोलते हैं सब लेकिन जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सब ठीक है जैसे कि सब लोग हिया आऊ सब लोग ही सौब काम करत हैं तो लिखक जब हम इन तो सब करके लिखब और जब बोलब तो हम इन सब करके बोली ला कि सब लोग हिया आ, आ जाओ सब लोग बैठो और अपन भोजन ग्रहण करो एग्जाम्पल रविन के हम देव थे तो नागपुरी भाषा कर विशेषता के बारे में हम इन चर्चा करत रह तो नागपुरी भाषा ज़्यादातर देखब तो साउथ छोटा नागपुर डिवीज़न में बोला जा दक्षिण छोटा नागपुर या दक्षिणी छोटा नागपुर वाले एरिया में ज़्यादातर करके बोली जाती है आपको कुछ इधर के एरिया में भी दिखाई देगा कोल्हान की तरफ भी थोड़ा बहुत आपका दिखाई देगा और आप ये पाएंगे कि असम में बंगाल में पुरुलिया तक आप ये देखेंगे कि वहाँ पर भी नागपुरी भाषा काफ़ी प्रचलित आपको दिखाई देगी तो नागपुरी वाले लोग जहाँ जहाँ जाकर बसे वहाँ पर नागपुरी भाषा का प्रचलन हो गया जहाँ जहाँ तक नागपुरी वाला लोग मन पहुँच लें यहाँ के आदमी मन पहुँच लें वहाँ नागपुरी भाषा के बोलचाल में प्रयोग करे लागलें और जब प्रयोग करे लगलें ऊपर तो से भाषा के आपस में मिलान होलक मिलजुल के एक दूसरे भाषा के अब जानी लाइन कि अगर दो आदमी एक साथे मिलने और दो अलग अलग संस्कृति के हैं दो अलग अलग भाषा बोले ना तो एक जैसन भाषा एक अलग ही भाषा जनरेट हो जाला पैदा हो जाला जेर में एक दूसरे के मिक्सअप रहे ला। तो उसी तरह रावरन पावब कि दक्षिणी छोटा नागपुर में तो ज़्यादा मिली लेकिन बाक़ी और एरिया में भी मिली कि हुआ भी लोग नागपुरी के प्रयोग करें ना अब जैसे हम प्रयोग बोला थी तो ये प्रयोग जो शब्द है से हिंदी के शब्द है अब जब इके नागपुरी में लिखब तो प्रयोग लिखब प्रयोग होवेला लिखब तो इस तरह से अंतर जो है हम बताते चलब जब जब भी पढ़ाते चलब तो सब रंग इनके थोड़ा बहुत ध्यान रखते जाए हो समझा समझते जाए हो तभी जाकर रवीन नागपुरी के में बढ़िया से नंबर लाने रहे नागपुरी जो भाषा है एकर में बहुत ही कोमल मधुर सरल ध्वनि मनक प्रधानता है कहे का मतलब ये है कि जे भी ध्वनि जे भी रवीन जानी ला कि ध्वनि के के कहना अब ध्वनि एक अलग टॉपिक है कि हम पढ़ाब रवीन के जब ग्रामर पढ़ाई शुरू करब तो ध्वनि है के ध्वनि कोई भी ऐसा आवाज़ जैसे एक छुआ के रह देख कि कुछ कुछ बोलत तो रह आ उ गा ग करत तो रहा अब उ जो आवाज़ निकलत है वो ध्वनि है चिड़िया बोलत है वो ध्वनि है कहीं कुछ ठोक दिली रह टेबुल बजा थी उ ध्वनि है तो ध्वनि हर उस तरह के आवाज़ के कहल जाते जे आसपास के रोग के अपन प्रकृति में देखे ले मिली के लोग बोली हैं जो सब लोग बोलते हैं उन्हें ही ध्वनि कहते हैं जैसे जो हिंदी में ध्वनि होगा वही आपका नागपुरी में भी ध्वनि कहलाएगा यहाँ अंतर ये है यहाँ पे सरल ध्वनियों की प्रधानता है जैसे अगर हम बोलें हिंदी में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे प्रधानता लेकिन जब हम इसे नागपुरी में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे प्रधानता कहने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर जो भी नागपुरी में शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे सरल बना दिया जाता है उसे ऐसा नहीं आपके जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए बोलने में बहुत ही कोमल कोमल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है मधुर बनाया जाता है जैसे प्रधानता बोलने में आपको प्र थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है और प्रधानता है जैसे ध्वनि मनक प्रधानता आए अभी जब हम लोग इसको लिखेंगे हिंदी में तो हमें लिखना पड़ेगा ध्वनियों की प्रधानता है तो ध्वनियों पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आती है थोड़ा सा आपको जीभ या फिर मुंह को उस तरह से करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर बहुत ही सरल ध्वनियों के साथ नागपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है जैसे हिंदी में आप लिखेंगे तो इसे लिखेंगे भाषा और यही जब यहाँ पर लिखेंगे तो इसे लिखेंगे भाषा क्यों क्योंकि श बोलने के लिए आपको जीभ को ट्विस्ट करना पड़ता है और आ, का जो ध्वनि है श की जो आवाज़ है वो निकलती है लेकिन ये दंत स बोलने के लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है उम्मीद करता हूँ आप सब समझ रहे होंगे आप कमेंट सेक्शन में भी बताते चलेंगे ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं और जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप समझ रहे हैं जो तरीका हम इस्तेमाल करते थी रावण मन के समझा ले और राविन के रावण तक पहुँचत है अगर रावण कमेंट बॉक्स में बताब तो हमको बहुत बढ़िया लागे इकर में देखो ऑप्शनल है ऑप्शनल के मतलब है कि वैकल्पिक है विकल्प के रूप में होएला जैसे री ए क्षमा श श अक्ष त्र ज्ञ ये ये सब जो शब्द रावण के सामने जो दिशा थे ये सब शब्द थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाला थोड़ा सा मुश्किल शब्द हो जाला बोले में तो जब हिंदी में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ऋषि बोलते हैं ऐनक बोलते हैं औरत बोलते हैं तो वो जब नागपुरी में बात आएगा नागपुरी में इन शब्दों का प्रयोग इन वर्णों का प्रयोग नहीं करते हैं अब जैसे मैंने कहा वर्ण अब वर्ण क्या है तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इन्हीं वर्णों को जोड़ जोड़कर शब्द का निर्माण होता है और शब्दों के निर्माण करने के बाद उससे ही भाषा का निर्माण होता है जिससे हम क्या करते हैं आपस में अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं एक दूसरे को अपने विचार प्रकट करते हैं तो विकल्प से का अर्थ क्या है कि अगर बहुत ज़रूरी हो जाए तब हम इन शब्दों का इस्तेमाल नागपुरी में करते हैं अदरवाइज या yeah, हम लोग उसको नहीं ही करते हैं आप ऐसा बहुत कम ही वर्ड्स देखेंगे जिसमें इन शब्दों का इस्तेमाल आपको दिखाई देगा इसको आप कह सकते हैं कि नागपुरी भाषा कर आपन व्याकरणिक विशेषता या विशेषता मन आए अब जैसे मन शब्द का इस्तेमाल किया मैंने विशेषता जैसे विशेषता शब्द का मैंने इस्तेमाल किया तो राउर देखो, राउ मन हिया कि विशेषता में सबसे पहले तो हिंदी से अगर कंपेयर करब तो इकर में होवे विशेषता लेकिन इकर में चूँकि दोनों शब्द के प्रयोग नहीं दोनों शब्द के प्रयोग नहीं करीला हमें, तो इकर में क्या करब हमें, दोनों जगह दंत स के इस्तेमाल करब तो जब भी राइटिंग में आवी लिखे ला आवी तो एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछल जा सकेला सवाल पूछल जा सकेला कि इस शब्द में का गलती है अगर ऐसा लिख देवी तो देख कि इस शब्द के इस्तेमाल नहीं हो तो सब जानकारी होना चाहिए वर्ण हम फिर जब टॉपिक शुरू हो जब पढ़ाई शुरू करब तब वर्ण के तो हम अलग से बतावे करब व्याकरण जब शुरू होवी तो आज के हम इन इंट्रोडक्शन समझा थी कि नागपुरी में कैसन कैसन अलग अलग चीज़ हो कैसे कैसे विकार विशेषता है ऐसे तो बहुत विशेषता है और शब्द या भाषा के एक वीडियो में या एक ही में समझाना तो बहुत मुश्किल है लेकिन हम एक समरी देव थी कि इस तरह से नागपुरी भाषा चलेला देखो उत्तम पुरुष पढ़ हो अब कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष हाँ उत्तम पुरुष ये तीन तरह के व्याकरण में हुएल अभिव्यक्ति के एक तरीका हुएल जैसे कि उत्तम पुरुष में मैं हम इस तरह का इस्तेमाल हुएला मध्यम पुरुष तू या तुम ले उपयोग हुए ये तो ग्रामर के पार्ट है कि ग्रामर में हम पढ़ा लेकिन उत्तम पुरुष के एक वचन में उत्तम पुरुष के एक वचन हुए ला मैं हम और इस तरह से चलेला तो मैं जो है एक वचन में इकर में मोय और के किताब में देखे मिले मिली अब एक कहे का मतलब है अगर एक उदाहरण हम देव थे कि मैं जाऊंगा हम सॉरी हम जाब मय जाबूं अब जैसे छोटा नागपुर में तो बहुत सारा एरिया है अब जैसे गुमलादन के अगर व्यक्ति अगर हमर वीडियो देखत होवे तो मन सब जानत होवे कि होने के व्यक्ति मन आदमी मन जाबूं बोले ना। और इन्हें के व्यक्ति मन का इन्हें के आदमी मन आदमी मन कहवा हम जाब हिंदी में इसको अगर हम लोग देखते हैं तो मैं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा का हम जाब और मोए जाबू ये दोनों सही है क्यों सही है क्योंकि अभी तक नागपुरी का मानकीकरण नहीं हुआ है मानकीकरण को समझिए आप कि किसी एक तरह के रूप को एक्सेप्ट कर लेना को मानकीकरण कहा जाता है जैसे हम लोग झारखंड के लोग बोलते हैं कि हम आ रहे हैं इसका मतलब क्या है अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो हम आ रहे हैं का मतलब है कि ये बहुवचन हो जाता है सही बात है लेकिन हम लोग जब बात करते हैं झारखंड के लोग तो हम का प्रयोग हम लोग मैं के लिए करते हैं कि हम आ रहे हैं का मतलब है कि मैं आ रहा हूं तो इसका मतलब क्या है हिंदी में जब हम हम आ रहे हैं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा वहां पर मैं आ रहा हूं लिखना पड़ेगा तो मानकीकरण यह हो गया लेकिन यही मानकीकरण आपका इसमें देखने को नहीं मिलता है नागपुरी में इसलिए हम जाब और मो जाबू दोनों सही होता है तो आप एक विशेषता समझ गए कि मैं लगिन मोय कर प्रयोग हो ले मोय के प्रयोग कर ला बाद और विशेषता के हमने देखा थी इकर में जैसे ये गो रही है छुआ तो हम क्या कह छुआ अब एगो उदाहरण आप लोग देखिए जैसे अगर चिड़िया लिखा गया है हिंदी में तो इसको क्या लिखते हैं चिड़िया ये बहुवचन बन जाता है लेकिन नागपुरी में अगर हम लोग बात करेंगे नागपुरी में हम इन बात करब नागपुरी के बारे में समझे की कोशिश करब तो छुआ के जब प्लूरल बनाए होगी तो उकर में या तो मन लागी या तो सब लागी या तो मन लगाया जाएगा या तो सब लगाया जाएगा जैसे छुआ सब खेलत हैं या छुआ मन बैठल हैं तो इकर मतलब का है कि जब भी प्लूरल के बात हो तो मन जोड़े हो या फिर सब जोड़े के हो तो इकर में नागपुरी में हम इनके बहुत जो व्याकरण है वो बहुत क्लिष्ट नहीं बनाल है बहुत ही कठिन नहीं बनाल है ये बहुत आसान बनाल है ताकि आसानी से हम इनके समझ में आ जाए तो विशेषता उम्मीद करत ही रावरे समझ जाओ कि छुआ के प्लूरल बना ले बहुवचन बनाए ले मन लगाएक हुई और या सब लगाएक हुए आगे बढ़ के एगो और विशेषता हमें थोड़ा चर्चा कर लो अती कि नागपुरी के जब बोले तो जो भाषा में हमें बोलती थी जो रावर मन से हम बात करती अखन भाषा तो बोलक है, है लेकिन इनके लिखल कौन भाषा में जाए तो बहुत तरह के के प्रयोग कर प्रयोग करके देख लें कि कौन लिपि से लिखा जा सकेला किस लिपि से लिखने से नागपुरी अच्छी से लिखी जाएगी और नागपुरी भाषा की जो उसकी जो उसकी ताकत है एक दूसरे के प्रति भाषा को कन्वे करने की एक दूसरे को अपने विचारों को प्रकट करने की वो किस भाषा में ज़्यादा अच्छे से, से सेट करेगी यानी किस लिपि में लिखने से यह भाषा अपने आप को जस्टिफाई करती है तो देवनागरी लिपि देखा गया तो देवनागरी लिपि अपना लिया गया है और नागपुरी के हमरे मन देवनागरी लिपि में लिखिला लिखल जाएला बोलेक नागपुरी जैसे हिंदी में हम इन बोलीला तो बोलेक नागपुरी में अक्सर हम इन बहुत सारा वर्ड गलत कर देवेला हम भी जो बोला थी उकर में भी बहुत सारा वर्ड हो सकेला लिखे में अलग लिखे पड़े तो रंग मन के ध्यान रखे हुई कि जे बात करे वाला जो भाषा है हिंदी के तरी इो भी स्थिति परिस्थिति उनके देखे ले मिली इसलिए ग्रामर के बहुत हमें ध्यान से पढ़े खोए और उकर में ग्रामर में पकड़ खोए उकरे से नंबर ज़्यादा इन स्कोर कर पाब अब यहाँ देखो कि नागपुरी में जब वर्ण पढ़ब हमीन तो वर्ण पढ़ब तो हमें समझ में आवे कि वर्ण का वेला सबसे छोटा इकाई है अब जब वर्ण के देख तो वर्ण में स्वर वर्ण आवि और व्यंजन वर्ण भी आवी जैसे हिंदी में आवेला तो हिंदी के जिस तरह से ग्रामर चले ला जिस तरह से व्याकरण चले ला वैसने चली इकरों में लेकिन इकर में कुछ कुछ कम हो जाए तो इकर में चौदह स्वर और अड़तीस व्यंजन वर्ण आ कुल बावन वर्ण के बारे में हम इन में देख वैसने नागपुरी के एक और है कि नागपुरी में जैसा लिखल जाला उकर उच्चारण वैसने करल जाएला वैसेहे लिख में से बोल में जैसे इंग्लिश में यू के बहुत सारा मीनिंग हो सकेला जैसे अल्ट्रा तो इकर में यू के अगल जैसे उर्सुलाइन तो इकर में इकर में उ हो गलक तो इकर ले सीखे पड़ेला कि उ किस तरह से यूज करल कर है कैसे कैसे यूज करल जा तो इकर में अंग्रेजी में देख या और भाषा में देख तो जो लिखल जाए ला कभी कभी ऐसा हुए ला कि उकर उल्टा पढ़ल जाएला लेकिन नागपुरी में वैसा नखे नागपुरी में जे लिखल जाए जे लिखल जाए वह पढ़ल जाए उकर उच्चारण भी उसी तरह से हो तो हम उम्मीद करती थी कि जे हम समझाए कोशिश करा थी रावीन के नागपुरी के बारे में उ रावीन के बहुत बढ़िया से समझ आवत हो और इकरेले हमीन जे एस एस सी के कोर्स तैयार करती थी जकर में नागपुरी के कंप्लीट कोर्स अवेलेबल रही हमें के ऐप में नागपुरी कर मिली और खोरठा कर भी हमीन ऐप में कोर्स लॉन्च करी राम कोर्स के ज्वाइन करके और नागपुरी भाषा के सीख सकीला और परीक्षा में बढ़िया से ज़्यादा नंबर लाइन सकी सो so, आज के जो क्लास है लंबा हो गल क्या आज पहला क्लास रहे और मन के उम्मीद करत थी पसंद आवे अगर पसंद आवल अलग है आप लोग को अच्छा लगा आप लोग समझे नागपुरी को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सो थैंक यू फॉर वाचिंग टूडेज क्लास कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड और मन सब कोई के जोहार आज के क्लास करे ले।